हाय, आज हम बनाने वाले हैं गट्टे की सब्जी। बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। ये बहुत ही जल्दी बनकर रेडी हो जाती है। इसमें ना धनिया पाउडर डालेंगे, ना जीरा पाउडर, ना ही काली मिर्च। बस एक सीक्रेट मसाला डालेंगे जो इजीली अवेलेबल हो जाती है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में एक कप बेसन डालेंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच अजवाइन, एक चम्मच आमचूर का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच कस्तूरी मेथी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लास्ट में डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा, एक चौथाई चम्मच, और इसे दही से बाइंड करेंगे। मैंने यहाँ 3 चम्मच दही लिया है। पहले इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। अब इसे अच्छा से गूंद लेंगे। ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से गूंद लिया है। इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छा से मिला लेंगे। ये देखिए, इसे कट करेंगे और इसे शेप देंगे। ये देखिए, मैंने शेप दे दिया है। मैंने यहाँ पे पानी उबलने को रख दिया था। इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल और गट्टे को उसमें डाल देंगे और 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। 10 मिनट हो गया है। ये देखिए, गट्टे पक गए हैं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक मसाले तैयार कर लें। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा प्याज लिया है, उसे काट लिया है, 2 चम्मच लहसुन, 4 लाल मिर्च और 1 चम्मच अदरक। इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए ऐसे। अब इसे साइड रख देंगे। गट्टे को निकाल लेंगे। अब इसे पीसेस में काट लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। एक कढ़ाई में 3 चम्मच तेल गरम करेंगे। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच हींग, 1/4 चम्मच डाल देंगे जो हमने अभी पीसा था, और इसे अच्छा से भूनेंगे। प्याज भून रही है, तब तक चलिए दही का घोल तैयार कर लें। यहाँ मैंने लिया है 3 चम्मच दही। उसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इसमें डालेंगे सीक्रेट मसाला, वो है मैगी मसाला, 1 पैकेट डाल देंगे, और 1 चम्मच गरम मसाला। इसे अच्छे से फेंट लेंगे। प्याज अच्छे से भुन गई है। अब दही वाला मसाला इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे धीमी आंच पर 10 मिनट तक, जब तक तेल मसाले से अलग ना हो जाए। ये देखिए अलग होने लगी है। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच कस्तूरी मेथी और 2 कप पानी।
अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें गट्टे डाल देंगे। अब इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ये देखिए 3 मिनट हो गई है, देखिए कितनी गाढ़ी बनी है। इसकी ग्रेवी ऐसी रहती है, बस फ्लेम ऑफ कीजिए और सर्व कीजिए। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।